भारत की बात इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, एमईए ने पिछले एक घंटे में दूसरी बार एडवाइजरी जारी की है कि जो भी भारतीय खार्किव में फंसे हुए हैं वो फौरन खार्किव खाली करें। खबर ये भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात कर सकते हैं, भारतीयों को सुरक्षित निकालने को लेकर चर्चा हो सकती है और आश्वासन भी प्रधानमंत्री मोदी मांग सकते हैं पुतिन से कि किसी भी तरह भारतीयों को वहां से सेफ एग्जिट दिया जाए। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे महायुद्ध के सातवें दिन आज जो खबर छनकर आ रही है उसने 77 साल पुरानी हिरोशिमा और नागासाकी की तस्वीरों को जिंदा कर दिया है। रूस के विदेश मंत्री के बयान से दुनिया में खलबली मच गई है क्योंकि मंत्री ने परमाणु हमले की धमकी दे दी। क्या तीसरे विश्व युद्ध की शक लेगा ये महायुद्ध? क्या परमाणु बम से लड़ी जाएगी ये जंग? क्या महायुद्ध की महाविनाशकारी तस्वीर आनी बाकी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि महायुद्ध के सातवें दिन आज रूस के विदेश मंत्री ने उस बात का जिक्र कर दिया जिसका डर पूरी दुनिया को सता रहा है। समाचार एजेंसी स्पुतनिक ने आज रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के हवाले से कहा कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु बम वाला होगा, तीसरा विश्व युद्ध महाविनाशकारी होगा। क्या यूक्रेन रूस युद्ध के बीच सर्गेई लावरोव का ये बयान सच तो साबित नहीं हो जाएगा और उनके इस बयान को बल मिलता है पुतिन के हालिया फरमान से? दरअसल नाटो की तरफ से लगातार आक्रामक बयानबाजी के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु बलों को विशेष अलर्ट पर रखा है। जानकारी के मुताबिक पुतिन ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में रूस के रक्षा मंत्री और मिलिट्री जनरल स्टाफ मौजूद थे। पुतिन ने आदेश दिया कि परमाणु रोधी बलों को युद्ध दायित्वों के लिए तैयार रखें। और पुतिन जो कहते हैं वो करते जरूर हैं। ये बात इतिहास की तारीखों में दर्ज है, चाहे वो क्रीमिया पर कब्जा हो या फिर डोनबास में युद्ध छेड़ना या फिर यूक्रेन के साथ जंग को शुरू करना। और बार बार रूस के परमाणु हथियारों की धमकी फिर से दुनिया को डराने लगी है और दुनिया का ये डर वाजिब इसलिए भी है क्योंकि परमाणु हथियारों के मामले में रूस तो सब पर भारी है। रूस के पास 5,977 परमाणु हथियार हैं, अमेरिका के पास रूस से कम 5,428 परमाणु हथियार हैं, जबकि चीन के पास सिर्फ 350 परमाणु हथियार हैं। महायुद्ध के बीच बार बार रूस की तरफ से परमाणु हथियारों का ये जिक्र क्या सिर्फ नाटो देशों को धमकाने की कोशिश है? और अगर ये सच साबित हुआ तो इसकी कीमत सिर्फ यूक्रेन और नाटो नहीं पूरी दुनिया को चुकानी होगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।